हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप बाई रूही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेट सुबह एक वीडियो डाली थी कि एक हेयर वैक्स पाउडर का रिव्यू डालने के लिए और उसी रिव्यू के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ सो so, वो वैक्स पाउडर मैंने यूज़ किया अभी आप सारी वीडियो देखोगे मैंने कैसे यूज़ किया लेकिन उसका रिव्यू मैं आपको बाद में ही दूंगी कि क्या ही भला चीज़ है वो तो अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो आप फटाक से देख लोगे पूरी वीडियो नहीं देखोगे इसलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप देखो और आपको पता चलेगा क्या ही चीज है वो सो so, ये रही मेरी हेयर वैक्स पाउडर इसको मिक्स करने के लिए मुझे कटोरी और फटाफट से मैं इसको पैकेट खोलती हूँ पैकेट तो बहुत छोटा सा है ढाई सौ में बहुत ज्यादा लाइक जितना पैसे उसके हिसाब से तो मुझे कम मिला है अब इसको निकालते हैं कैंची मेरे पास है नहीं फटाफट जैसे निकल रहा है इसको निकाला है एक्स्ट्रा पाउडर क्योंकि मेरे को दोनों पैर करने हैं कोई भी सिंपल सा ब्रश लेके आप इसको पानी मिला के फटाफट से एक पेस्ट गाढ़ा सा बना लो मैंने यहाँ पे गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया मुझे लग रहा है मैं पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है कोई नहीं इसको पैरों पर लगाते हैं अच्छी तरीके से एक लेयर से कुछ नहीं होगा तो इसके लिए मुझे डबल लेयर लगानी पड़ेगी एक लेयर लगा के इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी फिर ऊपर से डबल मतलब कि लगाऊँगी लेयर सो दैट रिजल्ट अच्छा है लगा लेती हूँ फटाफट से इसका जो भी है इसकी स्मेल बड़ी गंदी है और देखो इसकी दोनों लेयर लगाने के बाद दोनों पैर पे मैंने लगा लिया है और ना मुझे लग रहे हैं कि जैसे एंड फ्रिंच लगाने के बाद बाल थोड़े थोड़े से वो वीक से होने लगते हैं ना वैसे सा टेक्सचर आ गया है बालों का और बाई गॉड इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी है ना मेरे को बता नहीं सकती है देखो सारे बाल सॉफ़्ट सॉफ्ट से होने लग गए हैं क्योंकि मेरी ग्रोथ भी थोड़ी हार्ड थी तो ये सारे सॉफ्ट सॉफ्ट होने लग गए और अब इसको इसके बाद कहते हैं कि रिमूव करना है पेस्ट मेरा बच गया तो मैं सोच उसको हाथों पे भी लगा लेती हूँ मैंने हाथों पे भी लगा लिया है एक तो मैंने गलती के कपड़े चेंज किए गंदे कपड़ों के बिना मैंने ये काम किया मुझे एटलीस्ट इसके पहले नहाना भी नहीं चाहिए था मैं नहा धो के तैयार हो के ये काम करूँ सबसे बड़ी गलती है और इतनी गंदी इसकी स्मेल है और जब तक ये नहीं सुख रहा मैं इसको डांस करके सुखाती हूँ नंग गिंग 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 गड़िंग गड़िंग ऐसे मैंने करके इसको सुखा लिया है और मैं जैसे पूरा हाथ वाथ लिबाड़ लिया मैंने कहा कहीं मेरे बाल भी ना उतर जाए फटाफट से मैंने अपने बालों को एकदम साफ हाथ करके रैप कर लिया बालों में को बन में कंप्लीट कर लिया नहीं तो पता चले मेरे बालों पे भी लग गया और मैं पैरों के बाल हाथों के बाल हटा रहे गंजी हो गई हूँ चलो अब इसको देखते हैं रिमूव करते हैं इसको रिमूव किया मैंने और मतलब कि मैंने इतना हार्ड वाला कपड़ा लिया उसके बावजूद ये रिमूव नहीं हो रहा बहुत मेहनत लग रही थी मेरे को पैर भी मैंने सूख गए थे पैर भी मैंने इसको रब किया एक बार तो देखो, देखो देखने में ऐसा लगता है कि सारे बाल हट गए हैं लेकिन लिटरली मेरे को बहुत ही ज़्यादा ये मैसी लगा क्योंकि इसको अभी एक साइड का तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर उतर गया है ना दूसरी साइड में नीचे नीचे में बाल जहाँ पर नीचे थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ थी पे कपड़े से काम नहीं बन रहा था मुझे भाग के वो पैर के आने पड़े और लिटरली प्यूमिक स्टोन से रगड़ के मैंने अपने पैरों से सारी की सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ उतारी है और नहीं ये नहीं मुझे अच्छा लगा किसी भी हालत में एक तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है डे डे लाइट में थोड़ा ऐसा सा दिख रहा था और नहीं बाल छोटे छोटे रह ही रहे हैं इसमें इतनी ज्यादा फिनिश फिनिशिंग इतनी ज्यादा ड्राइनेस है इतनी ज्यादा खुजली हो रही है पैरों में पता नहीं लोग कैसे इसको यूज करते देखो मेरे पैर में दूसरी साइड में दिख रहे हैं एक नंबर की वाहियात बेकार थर्ड क्लास बिना किसी काम की बहुत बेकार आइटम है ये सो एक तो सबसे ज्यादा मेस करती है मुझे एकदम नहीं पसंद इतनी देर तक लगा के रखा उसके बाद से उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया मुझे एकदम पसंद नहीं आई एक तो उसको लगाने से पहले इतना मैस खिल खिलर गया इतना गंद पड़ा जिसका को मेरे को समेटने में इतना टाइम लग गया और उसका रिजल्ट भी कोई इतना खास नहीं इतनी ड्राइनेस है मेरे पैरों और हाथों में कि खुजली करके के मैं पागल होगी बादाम रोगन की शीशी लेके मैं बैठी हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है मेरी लेग्स और आर्म्स में मेरी साइड से अ बिग नो टू दिस क्योंकि अ बिग नो फॉर हेयर पाउडर वैक्स जो भी है क्योंकि मैंने भी सुन सुन के सबका मंगवाया था और मुझे एकदम पसंद नहीं आई बहुत ज़्यादा बेकार है ये सो इससे अच्छा जाके दो तीन सौ रुपये दे वैक्सिंग करा लो वो ज़्यादा बेटर है कि इसमें पाउडर में इन्वेस्ट मत करो एटलीस्ट वैक्स करके हमारी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है इससे कुछ नहीं होता इससे सिर्फ खुजली होती है और गंद इतना पड़ता है शुक्र करो मेरे पास प्यूमिक स्टोन था मैं अपना सारा करके अपने करके मैं कपड़े से उसको क्लीन करी लेकिन वो क्लीन नहीं हुआ फिर मुझे हार के प्यूमिक स्टोन से ऐसे राउंड राउंड पोजिशन में टर्न करके उसमें निकाल के मुझे अपने सारे एक्स्ट्रा हेयर निकालने पड़े फिर भी नहीं निकले फिर भी नहीं निकले हेयर एक आध कहीं ना कहीं है सो so, मेरी साइड से मैं रिकमेंड करूंगी कि मतलब जो लड़कियां बहुत फ्री है जो लड़कियां बहुत वेला टाइम है जिनके पास वो डेफ़िनेटली बाय कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये मैं नहीं रिकमेंड करती इसको इससे अच्छा तो जैसे मेरी जैसी हाउस वाइफ है वो तो प्लीज़ जाके पार्लर स्पेंड कर लो पैसे वो ज़्यादा बेटर है ऐसे इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ओके okay? सो so, यही मेरा रिव्यू था डैट इज़ इट सो प्लीज़ मत खरीदना मेरी साइड से तो मैं तो कहूंगी पैसे मत फूकना जाके वैक्सीन करा लो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको रिकमेंड करो सो so दैट वो भी मुझे सब्सक्राइब करे और मैं प्लान कर रही हूँ एक गिव अवे गिव अवे के लिए कोई अच्छी सी धमाकेदार चीज़ प्लान करते हैं आप बताना कि मैं गिव अवे में क्या करूँ कॉमेंट करके मुझे बताना कि गिव अवे में मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट रखूँ या कोई हेयर प्रोडक्ट रखूँ अच्छा सा महंगी सी एक गिव अवे प्लान करते हैं सो स्टे ट्यून ओके बाय